हीट के मिलिंग के लिए सबसे पहले अनाज की सफाई की जाती है। कोई भी अनाज जिसकी मिलिंग करनी होती है उसको प्रॉपर तरीके से साफ कर लेना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी, गंदगी, दूसरे फॉरेन एलिमेंट नहीं होने चाहिए, कंकड़, मिट्टी। साफ किए हुए अनाज को पिसाई से पहले गेहूं की टेम्परिंग की जाती है। टेम्परिंग का तात्पर्य है गेहूं में 3% पानी मिलाया जाता है नम करने के लिए, और पानी मिला करके 24 घंटे के लिए टैंक में, कंटेनर में ग्रेन को, गेहूं को स्टोर करते हैं। 24 घंटे स्टोर किया जाता है, जिससे जो गेहूं का ऊपरी सतह है, ब्रान जिसको कहते हैं, वो नमी सोख लेता है और प्रोसेसिंग में अर्थात पिसाई करने में वो छिलका आसानी से अलग हो जाता है। इसलिए ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, ज़रूरी है। इससे गेहूं की अनाज जो आटा बनता है वो अच्छे किस्म का बनता है, क्योंकि ब्रान अच्छी तरह से आसानी से अलग हो जाता है। गेहूं से आटा बनाने के लिए 2 विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। सामान्य पारंपरिक तरीके की जो मशीनें होती हैं उनको ग्राइंडर या चक्की कहते हैं। इसमें गेहूं पीसने के लिए 2 गोल पत्थर लगे होते हैं, सिलिंड्रिकल स्टोन होते हैं। एक स्टोन जो है स्थिर रहता है और दूसरा शक्ति के द्वारा, मोटर के द्वारा, दूसरे साधनों के द्वारा चलाया जाता है, घुमाया जाता है। तो एक स्टेशनरी स्टोन होता है, दूसरा रोटरी स्टोन होते हैं। इनके द्वारा जो अनाज होता है वो उसकी पूरी की पूरी पिसाई होकर के एक ही तरह का आटा मिलता है, इसको होल ग्रेन फ्लोर कहते हैं। इसमें अनाज का, गेहूं के दाने का सारा हिस्सा पिस जाता है और एक साथ निकलता है, ब्रान, एंडोस्पर्म, जर्म। और होल ग्रेन आटा जो है बेहतर किस्म का होता है, क्योंकि इसमें गेहूं का सारा पदार्थ मिला होता है, कोई भी न्यूट्रिएंट बेकार नहीं जाता। खास करके जो ब्रान के अंदर विटामिन और फाइबर है वो मिले रहते हैं। इसके अलावा आधुनिक जो बड़े फ्लोर मिल होते हैं उनमें रोलर, उनको रोलर मिल कहते हैं। रोलर मिल में गेहूं से आटा पिसाई करने के लिए लोहे के बेलन के आकार के रोलर लगे होते हैं। इनकी सतह खुरदरी होती है, कोरूगेटेड होती है। इसमें रोलर के मुख्य रूप से 2 सेट होते हैं। पहले सेट को ब्रेकिंग रोलर कहते हैं। इनके ऊपर की जो खुरदरापन होता है वो बड़े आकार का होता है और ये गेहूं के दाने को तोड़ने का काम करते हैं, और ये अंदर के तरफ दोनों इस तरह से गति करते हैं, लगभग 225 मिलीमीटर से 260 mm साइज के व्यास के बने होते हैं रोलर। यहाँ से पिसाई करने में ज़्यादातर दाने का हिस्सा बड़ा होता है और इसको छानते हैं, सीव जाली के द्वारा छानते हैं, और यहाँ से कुछ बहुत बारीक हिस्सा होता है वो आटे के रूप में, फ्लोर के रूप में मिलता है, और बाकी हिस्सा अगले रोलर सेट में जाता है जिनको रिडक्शन रोलर कहते हैं। और ये कई सेट होते हैं, यहाँ चित्र में 2 दिखाया गया है लेकिन ये 4 भी हो सकते हैं, 4 सेट। और इनकी सतह जैसे जैसे ये नीचे सेट बढ़ाते हैं इनका जो कोरूगेशन है वो फाइन होता है, फाइन का मतलब छोटे आकार का। ऊपर के रोलर में ऊपर जो खुरदरापन वो बड़ा अधिक होता है, नीचे वाले जो रोलर होते हैं उसमें खुरदरापन बारीक होता है और आटा बारीक से बारीक पिसाई होती जाती है। और सबसे लास्ट में सीविंग होता है, सीविंग का अर्थ मतलब है जालियां लगी होती हैं जिनसे जो ये पिसा हुआ पदार्थ है उनको छान करके अलग किया जाता है, उनकी थिकनेस के हिसाब से कितना मोटा या बारीक आटा है वो अलग किया जाता है। यहाँ 4 प्रकार के हिस्से दिखाए गए हैं। सबसे मोटा हिस्सा जो होता है छिलके वाला, वो अलग प्रांत वाले तरफ बिन में जाता है, टंकी में जाता है। जो सबसे फाइन होता है, बारीक, ये वाइट फ्लोर होता है, सफ़ेद आटा होता है, ये अलग निकलता है। और बीच में दूसरे क्वालिटी के
भाग इकट्ठे होते हैं। जो फ्लोर मिल का आटा होता है व्हाइट फ्लोर, इसमें जो कि बाहर ब्रान और जो जर्म का हिस्सा है कुछ अलग हो जाता है, इसलिए जो व्हाइट फ्लोर है इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती है और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बाहर से भी कुछ पदार्थ मिलाते हैं, विटामिन अधिक विटामिन वाले आटों, जिससे जो व्हाइट फ्लोर है उसमें जो न्यूट्रिएंट की कमी है उसकी पूरी की जाए, पूर्ति की जाए। और वहाँ से जो आटा अलग अलग पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, इनकी पैकिंग करते हैं, फिर स्टोर में रखते हैं और बाहर मार्केट में सप्लाई किया जाता है।